आज बात करने वाले हैं फसलों में लगने वाली इल्ली जो फसल को नुकसान पहुंचाती है, पत्तों को खाती है, फल को खाती है। प्रमुखतः अभी खरीफ का सीजन चल रहा है, इसमें सोयाबीन, उड़दा, मूंग, मूंगफली, राहर ये फसलों के पत्तों को ये कीट फसलों में लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे टेक्निकल है ये क्लोरोपाइरीफॉस है, ये 20% ईसी फॉर्म में है। एक छोटा टेक्निकल है जिसका उपयोग हम एक सुरक्षा कवच के रूप में कर सकते हैं कम डोज में। अगर आपकी फसल में जो पत्ते को कीट खाता है तब हम इसका उपयोग 30 ml प्रति पंप के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इसकी मार्केट की प्राइस की बात करें तो 180 रुपये में आधा लीटर का पैक मार्केट में मिल जाएगा। और सभी कंपनी का ये अलग अलग रेट है। आपके पास आपके यहाँ आसपास में जो भी आपके बजट के अनुसार जो भी मिल जाए उसका उपयोग करें। अब दूसरा टेक्निकल है जो वो है साइपरमेथ्रिन 25%, जो रस चूसक कीट होते हैं, इल्ली होती हैं, उनके लिए काम करता है ये टेक्निकल। इसका प्रयोग हम 30 ml के हिसाब से प्रति पंप 30 ml के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा टेक्निकल है जो जो डीमेथोएट 30% ईसी, इसका काम भी वही है, रस चूसक इल्लियों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब सस्ता टेक्निकल है जो मैं बजट के हिसाब से शुरुआती उस पर स्टेज पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और चौथा जो है अपना सेलक्रॉन, तो ये इसमें फिर फोनोफॉस 40% का टेक्निकल है, यह भी एक सस्ती टेक्निकल है। इसका भी उपयोग हम 30 ml के हिसाब से प्रति पंप के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।